हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी बॉस के कुछ आप बोल सकते हो रियलिटी के बारे में, ठीक है ना। जो कि आपको अगर बी बॉस में एडमिशन लेने वाले हो या फिर लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, ठीक है। कुछ बी बॉस के ऐसे चीज़ जो आपको खुद बी बॉस के कोऑर्डिनेटर या फिर आप बोल सकते हो कि बी बॉस का स्टाफ या फिर जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, जो स्टाफ वगैरह है या फिर टीचर वगैरह है, तो वो आपको ये सब बात बिल्कुल भी नहीं बताने वाला है बी बॉस के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बीच में बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे ऐसे जो आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक या फिर बैड थिंग बी बॉस के बारे में, बिहार ओपन बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के बारे में, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो जून वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को डेफिनेटली देखें। सबसे पहला चीज़, आपको बी बॉस में ये ऐसा क्लेम किया जाएगा या फिर ऐसा बतलाया जाएगा कि हाँ आपके जो मार्कशीट हैं वो 45 दिन बाद दे दिए जाते हैं, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले 2 साल से मतलब रेगुलर जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं वो लोग बी बॉस में एडमिशन लिए हैं, ठीक है। 2019, 2020 और 2021 में भी लिए हैं, ठीक है ना। तो क्या रियलिटी है 2019 और 20 का मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग तो मतलब वैसा क्लेम करेंगे कि हम एग्ज़ाम होने के जस्ट 45 दिन बाद मार्कशीट आपको दे देते हैं, बट बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। आपको रिजल्ट जो है वो आपको 50 से 55 दिन के बाद आता है, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा 50 से 55 दिन के बाद और फिर आपका मार्कशीट वगैरह जो है वो आपको 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। 2 महीने आपको लग जाते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करवाते समय, जैसे आप बी बॉस को फॉर्म फिल करवाते हैं जिससे भी, तो वो तो आपसे पैसा लेगा ही, और मार्कशीट आने के बाद भी आपको मतलब ये लोग परेशान करेंगे कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो तभी आपको मार्कशीट मिलेगा। बट यहाँ पे बी बॉस का जो गाइडलाइन है वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है वो मार्कशीट या फिर TC वगैरह का कुछ पैसा वगैरह देना है, बट आपको यहाँ पर मजबूरी है, देनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट पटना कहीं भी अदर स्टेट से हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, अगर आपको सोचते हो कि हम पटना से जा कर के ही ले आएँ, ठीक है, पटना से जा कर के ही ले आएँ मार्कशीट वगैरह, जो बी बॉस का मेन ऑफिस है मीठापुर, तो वहाँ पे आपको जाने में ही उतना ज़्यादा मतलब फ़ी वगैरह लग जाएगा, भाड़ा वगैरह लग जाएगा, ठीक है, 200-250 रुपये आपको लग जाएगा। तो इसीलिए जो स्टूडेंट हैं उनको पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होता है, तो वो जिसको फॉर्म फिल करवाते हैं उसको पैसा दे देते हैं और फिर वो आपको मार्कशीट दे देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि अदर बोर्ड में है, बहुत सारे ओपन बोर्ड में, आप NIOS को ही लेकर के चलो, तो NIOS और बी बॉस में कौन सा बेटर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे NIOS है। देखो अभी जून का एग्ज़ाम हुआ है, स्टूडेंट को मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप खुद ही मतलब देखो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पे कि ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना ही मतलब आप अगर ईमेल करो तो कुछ आपको रिप्लाई देंगे, ना ही फ़ोन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा, इस पर अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह ये लोग नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, जब टाइम नज़दीक आएगा तो करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट को ये लोग प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, जैसे NIOS बोर्ड के देखो वो अपने स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया, ठीक है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वालों को भी कर दिया और जो रेगुलर थे एकेडमिक ईयर के जो फर्स्ट थे उनको भी प्रमोट कर दिया। बट यहाँ पे ये लोग कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पहला बात फ़ोन वगैरह भी ये लोग नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ यहाँ पे यही था NIOS, मैंने 2 चीज़ आपको यहाँ पे जो बताया वो चीज़ आपको डेफिनेटली मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हो तो ऐसा बहुत सारे मतलब टीचर वगैरह जो होते हैं वो आपको इस बात का आपको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपसे वो लोग एक्स्ट्रा पैसा मतलब मांगेंगे, ठीक है, और हर हाल में मांगते ही हैं आपसे वो लोग मांगेंगे कि एग्ज़ाम वगैरह में आपको हम खुल्लम खुल्ला चोरी करवा देंगे, गाइड खोल करके लिखवा देंगे, बट यहाँ पे वो लोग आपको एग्ज़ाम हॉल या कि सेंटर के क्या मतलब आपके कैंपस जो है ना स्कूल के जहाँ पे सेंटर जाता है उसके आसपास भी आपको वो लोग नज़र तक नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रियलिटी थी। मैंने 2 साल से बी बॉस में जो हमारे भाई हैं और दोस्त वगैरह हैं वो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मजबूरी बहुत ही ज़्यादा होती है अभी जून वाले स्टूडेंट के साथ, क्या है देखो, पहला स्ट्रेस बी बॉस में ये रियलिटी है कि जो अदर बोर्ड से आते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट वही होते हैं कि जो अदर बोर्ड से फेल होकर के आते हैं, वो यहाँ पे आपको
फॉर्म फिल करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो मेजोरिटी पहला उनको दिमाग में स्ट्रेस ये है कि हम इस बोर्ड से फेल हो चुके हैं, ठीक है, अब उनको पास होना है। तो पास होने के चक्कर में वो लोग बेचारा कुछ भी करते हैं, पैसा दे देते हैं टीचर वगैरह के, और टीचर वगैरह अगर ये बोले कि प्रैक्टिकल हम लिख देंगे तो वो भी पैसा दे देते हैं। बट आपको ये सब थोड़ा सा बात को ध्यान रखना है, टीसी के लिए भी मैंने आपको बताया, तो आपको वो सब चीज़ भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब पहला उनको दिमाग में टेंशन ये है कि हम फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे वो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऑफर करेगा कि पैसा दो पैसा दो, तो वो लोग पैसा दे देते हैं। अभी जून वाले स्टूडेंट के ऊपर ना तो ये लोग कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट निकाले हैं, ना ही कुछ भी, जो बोला जाता है ना कि एक तरफ का मतलब आपको यहाँ पे कुछ करना है नोटिफिकेशन, तो उसे NIOS कैसे है, एक्टिव है, ठीक है ना, NIOS एक्टिव है, बट बीबस उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो अगर आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपको है जल्दी, तो इस बोर्ड में जल्दी कुछ भी नहीं होता, मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ। बहुत ही सुस्त और लेजी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सारा कुछ देर देर से आपको रिलीज होगा, और ये बात बिल्कुल हकीकत है, और ये मुझसे बेटर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये थी रियलिटी, मैं कोई बोर्ड का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी था मैं वो आपको बता रहा हूँ। अभी जून वाले जो स्टूडेंट हैं आप उनसे कंसल्ट करके पूछो कि उन पर अभी क्या बीत रहा है, ठीक है। ये लोग किसी के भी नहीं सुनते हैं, चाहे तुम पेपर में निकलवा दो या फिर आप कहीं भी निकलवा दो।